Integrate it. Add wins to your career. Welcome to our channel Integrate It. आज हम बात करेंगे आगे महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के बारे में। अब तक हमने महाराणा राज सिंह के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। फर्स्ट हमारे महाराणा संग्राम सिंह फर्स्ट जो हमारा राणा सांगा, अब हम पढ़ेंगे दूसरे महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। अब ये जो महाराणा पढ़ रहे हैं अपन, इनका कोई ज्यादा इतना रोल नहीं है, बस ये कि इनसे एक एक दो दो फैक्ट्स बार बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अपन इनका बार बार करते जाते हैं, ये बार बार फैक्ट्स पूछ ले इसलिए, बाकी इतना ज्यादा इसका रोल नहीं है महाराणा से। अब इन्होंने एक महाराणा महाराजा जय सिंह के साथ, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, एक हुड़ा सम्मेलन की योजना बनाई। हुड़ा सम्मेलन की योजना, तो एक आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि भाई हुड़ा सम्मेलन की योजना क्या बने। वायू कि हम जानते हैं कि पहले हमारे राणा सांगा है जिन्होंने सभी राजपूत राजाओं को एकत्रित किया था, दूसरे राणा सांगा सेकेंड ही है जो फिर राजपूत राजाओं को एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये अपने योजनाओं को रूप देते धरातल पर, उससे पहले इनकी डेथ हो जाती है। ये लगभग बहुत कम समय में ले रहे थे, 1710 में बने थे, 1734 में इनकी डेथ हो गई थी। तो 1734 में तो इनकी डेथ हो ही गई थी और 1734 में ये सम्मेलन होना था। और ये सम्मेलन क्या है, हुड़ा सम्मेलन किस लिए आया, क्या जरूरत है, हुड़ा क्या है, मेन चीज क्या हुआ कि अब मराठा शक्ति है जो मराठा, हम जानते हैं मराठा लूटपाट पर आधारित राज्य था, तो मराठा क्या कर रहे थे, अभी राजपूताने में एंटर कर गए, सॉरी अभी क्या है कि इनके बार बार जैसे मान लो कोई भी घटना होती, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मराठाओं का बढ़ गया था। इसकी वजह से महाराणा संग्राम सिंह सेकंड और जय सिंह ने मिलकर ये सोचा कि क्यों नहीं कि सभी राजपूत राजा एकत्रित हो जाए और एकत्रित होकर हम मराठाओं का सामना करें, जिससे हमारे राजपूताने में ये मराठाओं की जो है समस्या समाप्त हो जाए, इसलिए ये सम्मेलन। लेकिन ये करते इससे पहले ये इनकी डेथ हो गई थी, तो हुड़ा सम्मेलन की योजना बने, लेकिन हुड़ा सम्मेलन इनके समय में नहीं हुआ था, ये ध्यान रखोगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो अभी इनसे क्वेश्चन आए। दूसरा, इन्होंने इनकी बेटी के लिए एक सहेलियों की बाड़ी बनाई, एक उद्यान बनाया इनकी बेटी को, ये इनका कि भाई मेरे एक ऐसा उद्यान बनना चाहिए, तो इन्होंने इसके लिए एक उद्यान बनाया सहेलियों की बाड़ी। तो ये ध्यान रखो कि इन्होंने सहेलियों की बाड़ी बनाई। एक इसका मेन क्वेश्चन पूछता है बार बार, वो है कि इन्होंने एक वैद्यनाथ मंदिर बनाया, बहुत बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बनाया सीसाराम गांव में। सीसाराम गांव में एक मंदिर बनाया, वैद्यनाथ मंदिर, वेदनाथ जी का मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर बनाया। भव्य मंदिर बनाया, बहुत ही शानदार, और जैसे मंदिर बनेगा तो उसकी प्रशस्ति भी आएगी। तो वेदनाथ प्रशस्ति के लेखक, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेदनाथ प्रशस्ति के लेखक। रूप भट्ट एक कृष्ण भट्ट किसके थे, जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक। वो हमने उस समय पढ़ा था कि जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक वो है, जगत सिंह ने बनाए थे। और ये है हमारे रूप भट्ट जो वेदनाथ राय प्रशस्ति के लेखक है। अब इनके बारे में एक और प्रसिद्ध बात है कि इनके समय वीर दुर्गादास राठौर अब मारवाड़ में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, वीर दुर्गादास राठौर ने कितने बलिदान देकर मारवाड़ के अजीत सिंह को उसका पैतृक राज्य दिलाया था, लेकिन वही अजीत सिंह बहकावे में आकर और वीर दुर्गादास राठौर को राज्य से यह देश निकाला दे देते।
और वो फिर आते हैं संग्राम सिंह सेकंड के शरण में, तो वीर दुर्गादास राठौर को शरण दी और इनको विजयपुर जागीर दी। जाजपुर किसको दी थी? जाजपुर जगमाल को दी थी अकबर ने, ये विजयपुर जागीर दी। और उसके बाद जो है रामपुर का हाकिम बने हैं, तो ये हमारा वीर दुर्गादास राठौर की हेल्प करते हैं ये। और दूसरा इसमें इनकी डेथ उज्जैन में हुई थी शिप्रा नदी के किनारे इनकी छत्री बनी हुई। तो ये हम अच्छे से देखेंगे कि भाई ये वीर दुर्गादास राठौर के बारे में, तो ये संग्राम सिंह का रोल है ज्यादा नहीं। कर्नल जेम्स टोड एक बार इनके लिए एक संदेश लिखते हैं। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि पापा रावल की गद्दी का किसी ने गौरव बनाए रखा तो वो अंतिम हिंदू शासक था। इसके बाद ऐसा कोई हिंदू शासक नहीं हुआ जिसके बारे में हम कुछ अच्छा लिख सके इतिहास का। ये कर्नल जेम्स टोड के अपने विचार है। ये हमारा महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। उसके बाद हम पढ़ेंगे जगत सिंह सेकंड, इनके बेटे थे जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड ने इसी हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो हमारे पास जितना जगत सिंह सेकंड इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना हुड़ा सम्मेलन और उसकी डेट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है हुड़ा सम्मेलन। तो जगत सिंह सेकंड बनते हैं 1734 ईस्वी में, 1734 में और 1761 तक रहते हैं ये जगत सिंह सेकंड। 1734 से लेकर 1761 तक रहते हैं। इनका एक चीज है, हुड़ा सम्मेलन इनके शासनकाल में हुआ। संग्राम सिंह सेकंड ने हुड़ा सम्मेलन की योजना बनाई थी, रूपरेखा बनाई थी, लेकिन हुड़ा सम्मेलन का आयोजन जगत सिंह सेकंड के शासनकाल में हुआ। यह हुआ था 17 जुलाई 1734 को हुड़ा सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह सेकंड। अब बात क्या हुई कि हुड़ा सम्मेलन की रूपरेखा में तो विजय सिंह साथ में थे, लेकिन अध्यक्षता उनका बेटा करता है, किसका? संग्राम सिंह का बेटा। तो ये विजय सिंह के थोड़ी पची नहीं बात। दूसरी चीज, इनमें राजपूत राजाओं में भी इतना संगठन नहीं था, इनमें ये अध्यक्षता को लेकर इनके बीच बहुत सारे मतभेद थे। तो हुड़ा सम्मेलन कोई सफल सम्मेलन नहीं हुआ था, ये असफल हुआ था, क्योंकि हुड़ा सम्मेलन में कहा था कि अभी बारिश की ऋतु जैसे ही खत्म होगी, जुलाई महीने में बारिश शुरू हो जाती, बारिश की ऋतु जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है, हम सब लोग रामपुरा में इकट्ठा हो गए और वहां पर जो है हम मराठाओं का सामना करेंगे। लेकिन बारिश भी खत्म हो गई, कोई आया ही नहीं मराठाओं का सामना करने, बेचारे विजय सिंह आया था और कोई आया ही नहीं। तो ये कोई एक सफल सम्मेलन नहीं था, इसकी वजह से मराठाओं की बहुत अच्छी सी एंट्री हो गई इसमें। और फिर इन्होंने जो है जयपुर के उत्तराधिकारी युद्ध में, बूंदी में खूब सारी एंट्री मारी उन्होंने, मराठाओं ने खूब लूटपाट की। तो ये इस समय ये कह सकते हैं कि ये तो ये सम्मेलन सफल नहीं हुआ। और इसमें ये कहा गया था कि हम वर्षा काल के पश्चात जो है रामपुरा में इकट्ठा होंगे, सभी राजा इकट्ठा होंगे, लेकिन एकता कोई हुए नहीं और ये सम्मेलन सफल नहीं हुआ। इनके बाद दूसरा, इन्होंने इनका एक दरबारी था नेक राम, ये क्वेश्चन आया हुआ है सर, नेक राम की पुस्तक है, ध्यान रखोगे, इसकी पुस्तक है जगत विलास ग्रंथ।
ये नेत्रराम की पुस्तक है और इसको मैं 7 स्टार दूंगी, यानी इतनी इम्पोर्टेंट है। जगत विलास ग्रंथ नेत्रराम की पुस्तक आपको 2 से 3 एग्जाम में ये इसके पुराने पेपरों में मिल जाएगी। तो ये जगत सिंह जगत निवास वाले महल है, जगत विलास महल, जगत निवास महल, ये इन्होंने बनाए। पिछोला झील में महल है, पिछोला झील में जगत विलास महल। जगत निवास महल बनाते हैं, तो ये जगत सिंह के बारे। अब जगत सिंह के बाद आते हैं भीम सिंह। भीम सिंह भी अपनी कुछ घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आते हैं भीम सिंह। भीम सिंह 1778 से लेकर 1778 से लेकर लगभग 1700 है जो 1828 तक रहते हैं, खूब लंबी अवधि है। इनकी कुछ घटनाएं ध्यान रखने हैं। वो महाशय है जिन्होंने अंग्रेजों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 12 जनवरी 1818 सहायक संधि की, इसको अधीनस्थ संधि भी बोलते हैं, अधीनस्थ संधि। 12 जनवरी की डेट याद रखनी है क्योंकि आप ये याद रखे जाओगे 1818 राजस्थान में पूरी जो सहायक संधि हुई 1818 में हुई, तो 1818 तो सबकी सहायक संधि 1823 में हुई 1818, तो ये तो कुछ वैल्यू नहीं। आपको डेट इसलिए ध्यान रखनी पड़ेगी कि मिलान वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर डेट सबकी ध्यान होनी चाहिए। मारवाड़ ने कब की, मेवाड़ ने कब की, सबने 1818 में की, लेकिन उसकी डेट अलग अलग। तो ये दूसरा इसका एक तो ये इसके लिए प्रसिद्ध है, दूसरा इसके समय कृष्णा कुमारी विवाद हुआ, कृष्णा कुमारी विवाद हुआ। अब ये विवाद वाला क्या है, 1807 में ये विवाद हुआ था, 1807 में ये विवाद क्या है, ये विवाद हुआ। एक तो अपने मेवाड़, एक मारवाड़ और एक जयपुर, ये 3 राज्यों के बीच में ये विवाद था। जयपुर का शासक था जगत सिंह, मारवाड़ का शासक था मानसिंह और मेवाड़ का शासक था भीम सिंह। हुआ क्या, मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी सिर्फ 16 साल की बच्ची हो, इसकी शादी के लिए लेकर गए मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ। अब ये भीम सिंह कौन है, ये भीम सिंह मान सिंह के बड़े भाई साहब हैं। देखो मारवाड़ का शासक था भीम सिंह, यह भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह का प्रस्ताव लेकर गए भीम सिंह के पास, मारवाड़ वाले भीम सिंह। कुछ समय बाद भीम सिंह की डेथ हो गई, नया राजा बन गया मान सिंह। अब इसकी डेथ हो गई, ये भाई साहब विवाह का प्रस्ताव भेज दिया जगत सिंह के पास, जगत सिंह ने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ, मान सिंह ने कहा कि जब ये एक बार किसी का नारे लाना, मारवाड़ी में नारे लाना किसको बोलते हैं, जहां शादी होती है तो नारे लेके जाते हैं, उस समय विवाह का प्रस्ताव ले जाना, तो मारवाड़ एक बार यदि किसी शासन में या किसी राज्य में या घराने में नारे ला जाता है तो वापस जाना वो वहां की बेइज्जती माना जाता है, अपमान सुनो को। तो यहां मान सिंह ने अपना अपमान समझा कि ये कहा कि मेवाड़ राजकुमारी का समन मारवाड़ के राज सिंहासन से जुड़ गया, तो आप इसका नारे जयपुर कैसे भेज सकते हैं। कृष्णा कुमारी सुंदर लड़की थी,
थी 16 साल की बच्ची। अब हुआ क्या, इन दोनों के बीच में ठन गई यानी युद्ध हो गया। युद्ध हुआ साहब गिंगोली का युद्ध। इस युद्ध का नाम क्या है, गिंगोली का युद्ध। युद्ध में बेचारे जयपुर वाले ने बकायदा मारवाड़ वाले को हराया अच्छे से। हराया, लेकिन अब क्योंकि एक इस वजह से दो राज्यों के बीच में दुश्मनी हो गई थी, तो एक थे अमीर खां पिंडारी। एक अमीर खां पिंडारी और एक थे अपने अजीत सिंह चुंडावत। इन दोनों ने सलाह दी भीम सिंह को, कहा कि इसको दे दो जहर। 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया और कृष्णा कुमारी मारी। अब इन दो नासमझों की वजह से एक कुमारी कन्या को मार दिया। इसका पाप भगवान ने भी इसको दिया कि ये कोढ़ होकर, कोढ़ हुआ इसको, उन्माद रोग हो गया, बड़ी बोर खतरनाक मौत मरा था ये अजीत सिंह चुंडावत। तो कहने वाला कहता है कि एक इसको पाप मिला था। तो ये कृष्णा कुमारी विवाद। तो भीम सिंह के बारे में ये इतना है। इसके बाद भीम सिंह के बाद में जवान सिंह शासक बनता है। छोटे छोटे शासक बनते हैं उस समय, छोटे छोटे समय के लिए ऐसा कोई। लेकिन इसके समय क्या होता है कि नेपाल का राजा, जैसे हमने बताया था नेपाल में कुंभकर्ण ने जाकर वहां गुहिल वंश की स्थापना की, तो नेपाल के राजा को इतने समय बाद याद आया कि वहां पे मेवाड़ में हमारे पुराणों की जो है, हमारे प्राचीन लोगों की जो राजधानी है, उसका अवलोकन करने के लिए। तो वहां एक दल भेजा था इस समय जवान सिंह के समय। जवान सिंह शासक बना इसके बाद जवान सिंह। तो इस समय वो दल आया था जवान सिंह के समय। तो ये ध्यान रखो कि नेपाल का दल आया था। यहाँ पे कोई इतना एग्जाम के बारे में एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन ये उस समय इतना चर्चा में इसलिए बना था कि इस समय फिर मेवाड़ के हैं वो नेपाल के साथ वैवाहिक संबंध बन गए थे, नेपाल के साथ वैवाहिक संबंध बने। तो जैसे ही जो है इसका नेपाल में राजनीतिक हलचल हुई, तो वहां के राजा ने शरण नेपाल में मेवाड़ में आके ली थी। तो इसलिए ये थोड़ा सा प्रसिद्ध है जवान सिंह का, बाकी इतना ज्यादा इसका कोई प्रसिद्ध नहीं है। उसके बाद अपने बनते हैं महाराणा स्वरूप सिंह। देखो यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले, छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले कि अब कोई प्रताप जितनी बड़ी घटना तो है नहीं कि मैं तुम्हें 40 मिनट 50 मिनट पढ़ाऊं बैठ के। तो इनसे जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, कि इनसे ये क्वेश्चन आए हुए हैं या आ सकते हैं। इसके बाद स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह की भी कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट भी है, आ भी सकती है। तो स्वरूप सिंह आते हैं इसके बाद। स्वरूप सिंह की इसलिए घटना भी है महाराणा स्वरूप सिंह। देखो इस समय तक क्या हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हमारे साथ एक संधि हो गई थी। तो इधर क्या है कि नकली सिक्के, नकली नोट होते हैं नकली, तो नकली सिक्कों का बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ गया था और इवन व्यापारी लोगों को खतरनाक तरीके से लूटा जाने लगा था। तो यहाँ पे स्वरूप शाही सिक्के चल रहे थे इसमें। तो सीधा क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछते हैं कि स्वरूप शाही सिक्के कहाँ के हैं, तो स्वरूप शाही सिक्के मेवाड़ के। सिक्के में देखो आप, ये सिक्का होता है जैसे 3D शेप में होता है सिक्का, जिसका एक अग्र भाग होता है एक पिछला भाग होता है। तो ये पृष्ठ भाग, पिछले भाग को बोलेंगे पृष्ठ भाग और एक अग्र भाग। तो अग्र भाग पे छपाया क्या, चित्रकूट उदयपुर। और इस पर पृष्ठ भाग पे दोस्ती लंदन। ये चार प्रकार के सिक्के थे, चार प्रकार के थे, चांदी के सिक्के थे,
जैसे हम छोटे थे तो आपको सिक्के कौन कौन से थे याद करो, तो एक तो अपने चलती थी 1 रुपया, तो इसमें भी 1 रुपया का सिक्का था। एक अपने चलती थी अठना, तो 1/4 अठना भी था, 1/8 भाग इसका। एक अपनी चलती थी चवनी, तो 1/4 भाग भी था, अठनी आधा होता है, और एक इसका आधा भी चलता था। तो ये 4 भाग थे इसके। रुपया साइन उस टाइम नहीं था, रुपया साइन अभी आया है, ठीक है भाई। तो ये उस समय रुपया का साइन नहीं था, ये मैंने अभी के लिए लगाया है इसे। दूसरा महाराणा स्वरूप सिंह ने यहाँ पे कन्यावध डाकर प्रथा और ये सती प्रथा इन पर है तो रोक लगाई थी। आप ध्यान रखोगे कन्यावध पे तो लगी थी 1844 में, ये क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, और डाकर प्रथा पे लगी थी 1853 में, और सती प्रथा का आदेश जारी किया था कि सती प्रथा का रोक लगाएंगे। लेकिन इस आदेश की धज्जियां कैसे उड़ी देखो आप, इस आदेश का उल्लंघन यह हुआ कैसे, महाराणा स्वरूप सिंह की डेथ होती है और महाराणा स्वरूप सिंह की पासवान बोलते हैं जो दासी होती थी उसको पासवान बोलते हैं, एंजा भाई, ये सती हुई साथ, और ये राजपुताने की अंतिम सती थी, ये राजपुताने की अंतिम सती थी। इसके बाद किसी के साथ सती नहीं हुई, ये पासवान अंतिम सती का उदाहरण है, राजपुताने की अंतिम सती का उदाहरण। और इस समय 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति इस समय हुई। एक बात हम पहले पढ़ चुके हैं स्वरूप सिंह के बारे में, वो ये कि स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया था, तो ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बात देख लो। इसकी जो विजय स्तंभ की प्रथम मंजिल है उस पर बिजली गिर गई थी और बिजली गिरने की वजह से वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, और इसलिए यहां पे इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो ये ध्यान रखोगे अच्छे से, महाराणा स्वरूप सिंह। इसके बाद अपने पास आते हैं महाराणा शंभु सिंह। महाराणा शंभु सिंह का नाम कोई उसकी प्रसिद्ध घटना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है महाराणा शंभु सिंह पहले ऐसे मेवाड़ के शासक थे। महाराणा शंभु सिंह पहले ऐसे शासक जिसके साथ कोई सती नहीं हुई। तो ये महाराणा शंभु सिंह की घटना है, बाकी इस समय भयंकर अकाल पड़ा था, कोई ज्यादा वो है नहीं, इतना इंपोर्टेंट। उसके बाद आते हैं महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह की कोई इंपोर्टेंट इतनी ज्यादा नहीं है, ये इनकी एक एक घटनाएं हैं जो हमें बार बार एग्जाम में पूछते हैं कि वो कौन सा मेवाड़ का शासक था जिसके साथ कोई रानी सती नहीं हुई, प्रथम शासक। उसके बाद वालों से तो सज्जन सिंह, फतेह सिंह, इनके साथ गोपाल सिंह, इनके साथ कोई नहीं हुई, लेकिन प्रथम यह था शंभु सिंह, क्योंकि उससे पहले जो है उनके साथ हुई थी वो एंजाबाई वाली घटना लास्ट थी। इन्होंने सज्जन वाणी विलास नामक एक ग्रंथ लिखा, सज्जन वाणी विलास ये ग्रंथ है प्रसिद्ध सज्जन सिंह के बारे में। सज्जन सिंह के बाद अपने पास आते हैं सज्जन सिंह का एक और घटना। महाराणा सज्जन सिंह ने मां इंदिरा सभा का गठन किया, ये सुप्रीम कोर्ट था उस समय,
किसी भी रियासत का सुप्रीम कोर्ट है, इसमें 17 सदस्य थे, 17 सरदार सदस्य होते थे। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं महाइंद्रा सभा का गठन किसके समय हुआ था, महाइंद्रा सभा का गठन महाराणा सजर सिंह के समय हुआ था। और हालांकि इससे पहले इजलास का गठन हुआ था, इजलास में 15 सदस्य थे और इजलास का ही नया नाम महाइंद्रा सभा किया था जिसमें 17 सदस्यों का वर्णन मिलता है। और इन्होंने एक परोपकारिणी सभा की, इनके समय परोपकारिणी सभा की, उदयपुर में परोपकारिणी सभा सभा की स्थापना हुई और ये इनके अध्यक्ष थे, ये इनके अध्यक्ष थे, महाराणा सज्जन सिंह अध्यक्ष बने परोपकारिणी सभा। तो ये ध्यान रखना परोपकारिणी सभा। दूसरा ये ध्यान रखना सज्जन सिंह ने इस एक इन्होंने सज्जन विलास ग्रंथ लिखा है ना, ये ग्रंथ पुस्तकालय उसका अध्यक्ष बनाया था श्यामल दास को। ये वो श्यामल दास है, कविराज श्यामल दास, वीर विनोद वाले श्यामल दास। तो इनका ये ध्यान रखना है, ठीक है, महाराणा सज्जन सिंह का। महाराणा सज्जन सिंह ने आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती को आमंत्रित किया था उदयपुर में। और ये परोपकारिणी सभा है, परोपकारिणी सभा, इसकी स्थापना उदयपुर में हुई इन्हीं की वजह से। आर्य सभा आर्य समाज की है, आर्य समाज की सभा है, लेकिन इसके बाद इसका स्थानांतरण बाद में अजमेर कर दिया गया था। इस सभा का बाद में स्थानांतरण कर दिया था अजमेर। तो अजमेर से कंफ्यूज नहीं होना है कि बाद में भी अजमेर रही थी हालांकि, लेकिन ये पहले इसमें थी। ये ग्रंथालय जिसको पुस्तकालय भी बोलते हैं। तो ये महाराणा सज्जन सिंह के बारे में। सज्जन सिंह के बाद में महाराणा फतेह सिंह आते हैं और फतेह सिंह के बाद में सीधे आते हैं अपने महाराणा गोपाल सिंह। महाराणा गोपाल सिंह अपने उस समय जब ये बिजोली आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, जब ये आंदोलन हुए उस समय महाराणा फतेह सिंह शासक थे, सॉरी गोपाल सिंह। और फिर गोपाल सिंह अपने राजस्थान के एकीकरण के समय महाराणा गोपाल सिंह थे जिनको राज प्रमुख बनाया था। तो भूपाल सिंह की तो आप बाद में अपन जब एकीकरण पढ़ेंगे, राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे, तो उनमें अपन अच्छे से देख लेंगे महाराणा भूपाल सिंह का। और जैसे और कोई संगठन वगैरह पढ़ेंगे इसमें, राजस्थान के जितने भी साहित्य और संगठन पढ़ेंगे उसमें फतेह सिंह और इनका भूपाल सिंह का अपन अच्छे से इसको देख लेंगे। लेकिन महाराणा भूपाल सिंह जब बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ, बेंगू किसान आंदोलन हुआ, उस समय ये महाराणा थे। और इसके इससे पहले तो फतेह सिंह है, महाराणा फतेह सिंह। फतेह सिंह की यह घटना ध्यान रखनी है कि महाराणा फतेह सिंह को एक बार चेतावनी का चुम्बक लिखा था। यह लिखा था प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारक। केसरी सिंह बारक ने यह लिख के भेजे थे कि भाई 10-12 शॉर्ट लिख के भेजे थे। ये इनका दरबार लगा था, दिल्ली में दरबार लगा था अंग्रेजों का। और उस समय दरबार के टाइम जब फतेह सिंह जा रहे थे उनके दरबार में भाग लेने के लिए, तब उनको चेतावनी का चुमटिया लिख के ये दिए, शॉर्ट लिख के दिए केसरी सिंह बारक ने। हालांकि ये दिल्ली तक तो गए थे लेकिन दिल्ली में दरबार में भाग नहीं लिया। और उसके बाद भूपाल सिंह राजा बनते हैं और ये इस तरह अपना मेवाड़ कंप्लीट होता है। मेवाड़ के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अच्छे से मिल रहे हैं, उसके क्वीज में वो क्वेश्चन अटेंड करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और इनकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और जितने डाल दी अभी चैनल पे इसकी पीडीएफ, तो अच्छे से पूरी हैंडमेड नोट्स है, अच्छे से पढ़ना है इसको। और इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे मारवाड़ का इतिहास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इंटीग्रेटेड।